एक्सरसाइज है सेवन पॉइंट फोर क्वेश्चन नंबर है वन फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इफ आ सिक्स फिट मैन कास्ट आ थ्री पॉइंट फाइव फिट शेडो तो क्वेश्चन में हमने एंगल ऑफ एलिवेशन को मालूम करना है जबकि एक छह फिट कद के आदमी का साया जो है थ्री पॉइंट फाइव फिट हो तो रूल हमें राइट right साइड पर लिखा नजर आ रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन तो सबसे पहले अपनी स्टेटमेंट से क्वेश्चन की जो फिगर है उसको ड्रा करते हैं तो सिक्स फुट का एक आदमी है और उसका साया है थ्री पॉइंट फाइव फिट और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो ज़मीन से सूरज का बनेगा और इसको हमने थीटा कहा है तो हमने थीटा फाइंड करना है तो फ्रॉम फिगर बी सी इज इक्वल टू सिक्स फीट ए बी इज इक्वल टू थ्री पॉइंट फाइव फीट थीटा अन है तो जो दो नाउन साइड्स हैं बी सी और ए बी अगर उन साइड्स को थीटा के रिस्पेक्ट या थीटा के लिहाज से देखें तो बी सी है परपेंडिकुलर और ए बी है बेस तो दोनों का रिलेशन होगा टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू बी सी ओवर ए बी टेंजेंट को हम लिख सकते हैं टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू सिक्स ओवर थ्री पॉइंट फाइव क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू चाहिए तो टेंजेंट को राइट right साइड पर ले आएंगे तो ये टेंजेंट इनवर्स में चेंज हो जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स सिक्स ओवर थ्री पॉइंट फाइव सिक्स ओवर थ्री पॉइंट फाइव को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें हासिल होगा इंट सेवन वन फोर थ्री अब हम टेंजेंट इनवर्स की वैल्यू फाइंड करते हैं वन पॉइंट सेवन वन फोर थ्री पर तो थीटा की वैल्यू आए फिफ्टी सेवन पॉइंट नाइन फोर डिग्री तो एंगल ऑफ एलिवेशन है सूरज का फिफ्टी सेवन पॉइंट नाइन सिक्स फोर डिग्री क्वेश्चन नंबर है टू क्वेश्चन टू की स्टेटमेंट है अ ट्री कास्ट अ फोर्टी मीटर शैडो व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज ट्वेंटी फाइव डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री एक दरख्त है उसका साया चालीस मीटर है जबकि सूरज के साथ उस दरख्त साए का एंगल ऑफ एलिवेशन है ट्वेंटी फाइव डिग्री तो हमने उस दरख्त की हाइट या बुलंदी मालूम करनी है तो अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट से हम फिगर ड्रा करते हैं तो दरख्त जो है इसकी हाइट फाइंड करेंगे जबकि साया ए बी से रिप्रेजेंट होगा और बी सी दरख्त की हाइट है ए बी है फोर्टी मीटर थीटा गिवन है ट्वेंटी फाइव डिग्री और हमारे पास बी सी अन नाउन है अपने डाटा को लिखते हैं फ्राम द फिगर बी सी अन नाउन ए बी फोटी मीटर थीटा है ट्वेंटी फाइव डिग्री अब जो वैल्यू या जो साइड हमें नाउन है और जो अननाउन है उसको थीटा के रिस्पेक्ट रेकग्नाइज करते हैं पहचानते हैं तो थीटा के रिस्पेक्ट बी है प्रोपेंडिकुलर और ए है बेस तो प्रोपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल टू टेंजेंट तो टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू बी ओवर ए टेंजेंट 25 डिग्री इज़ इक्वल टू बी सी ओवर 40 और 40 को लेफ़्ट साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे और टेंजेंट की वैल्यू मालूम करेंगे तो बी सी इज़ इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाई टेंजेंट ट्वेंटी फाइव डिग्री और टेंजेंट ट्वेंटी फाइव डिग्री की वैल्यू है जीरो पॉइंट फोर डबल सिक्स थ्री और जब हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 18.65. तो ये आपके जो दरख्त है उसकी हाइट है या ट्री की हाइट है क्वेश्चन नंबर है थ्री अ ट्वेंटी फीट लोंग लेडर इज लेनिंग अगेंस्ट अवाल द बॉटम ऑफ द लेडर इज फाइव फीट फ्राम द बेस ऑफ द वाल फाइंड द एक्यूट एंगल जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा द लीडर मेक विद द ग्राउंड अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट से हम फिगर ड्रा करते हैं तो ये आपके पास आ गए लेडर लीडर को हम रिप्रजेंट करेंगे ए सी से ग्राउंड है ए बी और वाल है बी सी तो लेडर का वाल से फ़ासला है फाइव फीट और लेडर की लेंथ है ट्वेंटी फीट थीटा अननाउन है डाटा लिखते हैं ए सी इज़ इक्वल टू ट्वेंटी फीट ए बी फाइव फीट थीटा इज इक्वल टू अननाउन, अब हम थीटा के रिस्पेक्ट जो दोनों साइडें नाउन हैं उनको लिखते हैं तो ए बी थीटा के रिस्पेक्ट है बेस और ए सी जो है वो 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड है इसलिए ये हाईपाटेनियस होगा तो बेस ओवर हाईपाटेनियस इज इक्वल टू कॉस तो कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए बी ओवर ए सी कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू फाइव ओवर ट्वेंटी और थीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स फाइव ओवर ट्वेंटी तो थीटा इज इक्वल टू काज इनवर्स जीरो पॉइंट टू फाइव तो कॉज इनवर्स की वैल्यू मालूम करती हैं जीरो पॉइंट टू फाइव पर तो थीटा इज इक्वल टू सेवेंटी फाइव पॉइंट फाइव डिग्री तो सी डी ग्राउंड के साथ सेवेंटी फाइव पॉइंट फाइव डिग्री का एंगल बना रही है क्वेश्चन नंबर फोर है स्टेटमेंट है द बेस ऑफ ए रिक्टेंगल इज ट्वेंटी फाइव फिट एंड द हाइट ऑफ रिक्टेंगल इज थर्टीन फीट एक रिक्टेंगल है जिसका बेस है ट्वेंटी फाइव फिट और हाइट है थर्टीन फीट फाइंड द एंगल आपने एंगल मालूम करना है डेट डाइगनल ऑफ द रिकटेंगल मेक विद द बेस के जो डाइगनल या वितर है रिक्टेंगल का वो बनाएगा बेस के साथ तो अपने डाटा से हम फिगर ड्रा करते हैं हाइट और जो है आपने लेंथ ड्रा की रिक्टेंगल है ए बी सी और डी तो हमें क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल से ही इसको सॉल्व करना है तो ए बी और सी हमने रिप्रेजेंट कर लिया जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है थीटा अननोन है ए बी बेस ट्वेंटी फाइव फीट बी सी हाइट थर्टीन फीट डाटा लिखते हैं बी सी इज इक्वल टू थर्टीन फीट ए बी इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव फिट थीटा इज इक्वल टू राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो थीटा के रिस्पेक्ट बी सी है परपेंडिकुलर और ए बी है टेंजेंट तो टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू बी सी ओवर ए बी टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू थर्टीन ओवर ट्वेंटी फाइव थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स थर्टीन ओवर ट्वेंटी फाइव और थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ज़ीरो पॉइंट फाइव टू और टेंजेंट इन्वर्स की वैल्यू फाइंड करते हैं जीरो पॉइंट फाइव टू पर तो थीटा इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन पॉइंट फोर सेवन डिग्री तो डाइगनल जो है बेस के साथ ट्वेंटी सेवन पॉइंट फोर सेवन डिग्री का एंगल बना रहा है क्वेश्चन नंबर है आपके पास फाइव अ रॉकेट इज लॉन्च एंड क्लाइंब एट कांस्टेंट कॉन्स्टेंट एंगल ऑफ एटी डिग्री एक रॉकेट जो है वो छोड़ा गया है और वो एटी डिग्री का एंगल बनाते हुए मूव कर रहा है फाइंड द अल्टीट्यूड आपने बुलंदी मालूम करनी है ऑफ द रॉकेट रॉकेट की आफ्टर इट ट्रेवल फाइव थाउजेंड मीटर जब वो पाँच हजार मीटर का फासला तय कर लेगा अपने डाटा से फिगर ड्रा करते हैं ये हाइट है और ये बेस है रॉकेट जहाँ से छोड़ा गया तो बेस रिप्रेजेंट हो रही है ए बी से और हाइट शो हो रही है बी सी से और रॉकेट जो मूव करेगा वो ए सी की डायरेक्शन में है तो फाइव थाउजेंड मीटर एंगल 80 के साथ तो डाटा लिखते हैं फ्रॉम फिगर बी सी इज इक्वल टू अन बी सी अनोन है ए सी फाइव थाउजेंड मीटर और थीटा है एटी डिग्री अगर थीटा के रिस्पेक्ट देखा जाए तो बी सी है प्रपेंडिकुलर और ए सी है हाईपाटेनियस तो प्रपेंडिकुलर ओवर हाईपाटेनियस रिलेशन बना साइन ऑफ थीटा बी सी ओवर ए सी साइन 80 डिग्री इज इक्वल टू बी सी ओवर फाइव थाउजेंड फाइव थाउजेंड को लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे तो बी सी हमारे पास आएगा फाइव थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय साइन 80 डिग्री साइन एटी की वैल्यू मालूम करके लिखते हैं तो बी सी इज इक्वल टू फाइव थाउजेंड इन टू ज़ीरो पॉइंट नाइन एट फोर एट बी सी इज इक्वल टू फोर्टी नाइन 24.04 मीटर दूसरे लफ्जों में जो रॉकेट की हाइट है वो 4924.04 मीटर है क्वेश्चन नंबर सिक्स एन एरोप्लेन पायलट फ्लाइंग एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 4000 मीटर विश इज टू मेक एन अप्रोच टू एन एयरपोर्ट एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विद द हॉरिजेंटल एक जहाज़ जो है वो 4000 मीटर की बुलंदी पर उड़ रहा है और उस जहाज का पायलट जमीन के साथ 50 डिग्री का जाविया बनाते हुए जहाज को एयरपोर्ट पर उतारना चाहता है हाउ फार फ्राम द एयरपोर्ट एयरपोर्ट से कितने फासले पर विल द प्लान बी जहाज़ हो वैन द पायलट बिगेन टू डिसेंड जब पायलट उसको नीचे उतारना शुरू करे अपने डाटा से हम फिगर ड्रा करते हैं हाइट 4000 मीटर और एयरपोर्ट का जो डिस्टेंस है वो ए बी और बी सी हाइट है थीटा है आपने 50 डिग्री के एंगल से ज़मीन पर उतारना है जहाज़ को अपना डाटा जो है लिखते हैं बी सी फोर थाउजेंड मीटर ए बी है थीटा है 50 डिग्री थीटा के रिस्पेक्ट बी सी आपके पास है परपेंडिकुलर और ए बी है आपके पास बेस परपेंडिकुलर ओवर बेस जो है इसका रिलेशन है टेंजेंट ऑफ थीटा तो टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू बी सी ओवर ए बी ए बी इज इक्वल टू फोर थाउजेंड डिवाइडेड बाय टेंजेंट फिफ्टी डिग्री ए बी इज इक्वल टू फोर थाउजेंड डिवाइडेड बाय टेंजेंट फिफ्टी की वैल्यू है वन पॉइंट वन नाइन वन एट डिवाइड करने के बाद हमें हासिल होगा ए बी इक्वल टू थ्री थाउजेंड 356.4 मीटर क्वेश्चन नंबर सेवन एक वायर स्पोर्टिंग वायर है जिसको हम कह सकते हैं रनिंग फ्रॉम द मिडल ऑफ ए यूटिलिटी पोल टू द ग्राउंड ये बांधी गई है एक बिजली के खंभे के दरमियान से जमीन तक द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 78.2 डिग्री ये तार 78.2 डिग्री का एंगल बना रही है विद द ग्राउंड जमीन के साथ एंड टचिस द ग्राउंड और जमीन को छूती है थ्री मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ ए पोल जो खम्बा है उसके उसकी बुनियाद से तीन मीटर के फासले तक फाइंड द हाइट ऑफ द पोल आपने पोल की हाइट जो है उसको मालूम करना है तो सबसे पहले हम फिगर ड्रा करते हैं तो ये हमने पोल ड्रा किया और ये वो फ़ासला जो पोल और तार के दरमियान है तो ए बी डिस्टेंस है पोल और तार के दरमियान थ्री मीटर का तार पोल के मिडल के साथ एंगल बना रही है सेवेंटी एट पॉइंट टू डिग्री का और सी पॉइंट पोल के मिड में है इसलिए बी सी और सी डी फासला बराबर है तो फिगर में इस को देखते हुए हम डाटा को लिखते हैं बी सी इज इक्वल टू सी डी बी सी इज इक्वल टू अन नॉन ए बी इज इक्वल टू थ्री मीटर थीटा इज इक्वल टू सेवेंटी एट पॉइंट टू डिग्री और रिलेशन जो है ट्रायंगल ए बी सी में वो थीटा के रिस्पेक्ट अन साइड बी सी और ए बी के दरमियान बनेगा टेंजेंट तो टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू बी सी

अब ये पोल के मिड तक आपके पास जो है वो फासला मौजूद है या पोल की आधे पोल की जो हाइट है वो मौजूद है अगर हम पोल की पूरी हाइट मालूम करना चाहते हैं तो BC को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये टोटल लेंथ होगी BD। तो BD डी इक्वल टू टू टाइम फोर्टीन और BD की वैल्यू आई 28.72 मीटर